आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के मंदिरों में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी है कि एक माँ की ममता से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की परम उपासक थी कर्माबाई, जो कि जगन्नाथ पुरी में रहती थी और भगवान से अपने पुत्र की तरह स्नेह भी करती थी। भगवान को क्यों लगाया जाता है आज भी खिचड़ी का भोग, इसके पीछे कर्माबाई की ममता से जुड़ी की कहानी है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कर्माबाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी, उनका लाड़ दुलार करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाओ। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत है, तो प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाओ वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दिए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा जलाने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की तरह कर्माबाई उनका पंखा कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी पकाया करें, मैं तो यही खाकर आऊंगा, रोज आऊंगा यही। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठती थी और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़ आते थे और कहते थे, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का यह क्रम रोज का हो गया था। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते, फिर चले जाते। एक बार महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप यहाँ क्या कर रही हो, सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आप तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई ने बताया, क्या करूँ महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो, सुबह भगवान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। फिर अगले दिन कर्माबाई ने यही काम किया। भगवान सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। कर्माबाई फिर बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा, आज माँ को क्या हो गया है, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी खिचड़ी खाई, मगर आज की खिचड़ी वो स्वाद नहीं था। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर पानी पिए बिना मंदिर में पहुँच गए। मंदिर के बाहर उन आत्माओं को देख कर भगवान सारा माजरा समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? प्रभु ने बताया, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ, आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही। भगवान भाव के भूखे हैं यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए, तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए, आप तो जैसे खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाए, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू और प्रभु रो रहे थे। पुजारी जी ने पूछा तो भगवान ने बताया, पुजारी जी आप मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।